बहुत ही सिंपल अंदाज में कोई गोल ज्ञान नहीं बिल्कुल आसान भाषा में कैसे किया जाए निवेश और पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि निवेश किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं सोने में निवेश प्रॉपर्टी में निवेश आर्ट पेंटिंग्स में भी निवेश किया जा सकता है उसके अलग अलग तरीके और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था हम आपको बताएंगे कि शेयर बाजार में निवेश के क्या तरीके हैं कैसे आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं

इतनी बढ़िया खबर थी बोनस आया कंपनी का शेयर का भाव गिर गया अरे रिजल्ट इतना खराब आया और शेयर का भाव चढ़ गया ये ऐसा कैसे अरे भाई ऐसा ही है शेयर मार्केट में जब तक आप नहीं सीखेंगे कि क्यों बोनस के पहले बढ़ गया था इसलिए बोनस आया तो शेयर प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिन्होंने पहले खरीदा था वो बेचने आ रहे हैं या रिजल्ट के पहले बहुत गिर गया था और खराब रिजल्ट आया तो जिन्होंने पहले से बेच रखा वो खरीदेंगे तो शेयर बाजार में पहले पहले एक्शन लेना दूसरों से ये सबसे बड़ी ये क्या शतरंज की चाल जैसा है शतरंज की चाल हाँ, में खाली आपको एक हाँ, ही से लड़ना होता है हाँ, बहुत, बहुत है बाजार है और बाजार में ढेर सारे लोग हैं सिंपल है, आपको थोड़ा सा दूसरों से आगे रहना है थोड़ा सा दूसरों से पहले दिमाग लगाना है थोड़ा सा बाजार की नब्ज को पकड़ना है थोड़ा सा शेर की चाल को देखना है कि ये किस तरह से करते हैं और वो जब आपके समझ में आ गया तो नुकसान होने की संभावनाएं हो जाएगी कम मुनाफा बनाने की संभावनाएं हो जाएंगी ज्यादा और उससे भी ज्यादा स्वाति जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं समझता हूं तो आप एकदम शांत अच्छे से सोच समझ कर एक जो निर्णय लेना है अपने इन्वेस्टमेंट पे वो ले पाएंगे तो आज इस एपिसोड में हम यही करने जा रहे हैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान भाषा में शेयर बाजार में कैसे निवेश किया जाए लेकिन अनिल जी शेयर बाजार निवेश का विकल्प है कैसा शेयर बाजार एक बेहतरीन विकल्प है अगर आप इसे सही तरीके से कर पाए तो क्योंकि किसी भी एसेट क्लास के मुकाबले में सबसे ज्यादा पैसा लंबे समय में लंबे समय से मेरा मतलब यह नहीं कि हफ्ते दो हफ्ते छह महीने साल भर कई साल सालों से सालों तक दशकों तक ओके दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस साल हुँ। हुँ। अगर इतना लंबा समय आप लेकर चलें तो इक्विटी से शेयर बाजार से शेयर बाजार और इक्विटी आम पर लोग एक ही तरह से मानते हैं इक्विटी मार्केट की हम बात शेयर की बात करें सबसे ज्यादा कमी इससे होती है ठीक है यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसलिए काफी लोग शेयर बाजार की तरफ आकर्षक होते हैं आकर्षित होते हैं एक बड़ी समस्या है लेकिन इसके साथ वो क्या सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भी इसी एसेट क्लास में होता है इक्विटी में शेयर बाजार में रोज ऊपर नीचे जो न्यूज़ में देखते रहते हैं कि ब्लड ah, प्रेशर रोज बढ़ने का काम है हुँ. और कुछ बढ़े ना बढ़े शेयर का भाव बढ़े ना बढ़े ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ेगा <laughs> और कई बार आपने देखा सुना होगा ना कि अरे सौ रुपए का शेयर दस हजार पांच हजार बीस हजार पच्चीस हजार आज हमारे सत्तर अस्सी हजार पे ट्रेड करता तो है ना बिल्कुल और कई बार आपने ऐसा सुना है कि मैं तो बर्बाद हो गया ऐसा शेयर लिया जिसके भाव ही आने बंद हो गए कंपनी बंद होगी तो सौ रुपए का शेयर लाख रुपए भी हो सकता है और सौ रुपए का शेयर जीरो भी हो सकता है इतना फायदा और इतना नुकसान हो सकता है ना नुकसान कितना होगा हंड्रेड परसेंट फायदा कितना हो सकता है कई गुना इंफिनिटी इंफिनिटी भाई एक गुना दो गुना दस गुना बीस गुना पचास गुना सौ गुना तो इज इस द लिमिट बढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है ना सौ रुपए का शेयर बढ़ के कहीं भी जा सकता है गिर के कितना होगा <laughs> जीरो ही हो जाएगा जीरो अगर आप वैसे देखें कि खोने को हंड्रेड परसेंट है आने को थाउजेंड फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड इतने परसेंट है तो फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या खरीदना है और कैसे खरीदना है तो पूरा क्रक्स जो है ये दो चीजों में है समझ कर सही शेयर खरीदना है और लंबे समय के लिए खरीदना है ये दोनों आर्ट आपको आ गई तो फिर आपको वॉर बफेट बनने से कोई रोक नहीं सकता वाह ये ये तो बहुत अच्छा मंत्र आपने दिया अनिल जी लेकिन फायदे और नुकसान क्या है अब आपने बोल दिया कि ठीक है लंबे अगर रेस के घोड़े रहे तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं सही समय पर निवेश करके हुँ. वरना आ जाएंगे हुँ. नीचे फर्श पर और से फर्श तक का सफर शेयर ने कई लोगों को दिखाया जरूर है लेकिन कई लोग ये समझना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि मैं शेयर बाजार में अगर निवेश करूं तो मेरे लिए फायदा क्या है या क्या नुकसान हो सकता है फायदा वही है देखिए सबसे ज्यादा पैसे जहां बने वही सबसे ज्यादा फायदे की बात सबसे जल्दी जहां बने वही सबसे फायदे की बात तो बहुत लोग स्मार्ट है सबसे जल्दी भी बना सकते हैं सबसे ज्यादा भी बना सकते हैं और नुकसान की बात यही कि जहां सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी बनता हो वहीं सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा पैसा खोने के भी चांस है जल्दी करने के चक्कर में आप जरूर से ज्यादा सपोज आपने मुझे डिनर पे बुलाया नहीं मतलब सपोज आप चाहें तो बुला भी सकते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन अगर आपने बुलाया अब मुझे लगे स्वाति जी ने एक ही बार डिनर पे बुलाया है खा लो खा लो खा लो खा लो भर लो अंदर अरे भाई उन्होंने खिलाना है लेकिन मुझे कितना खाना है और उसको खाने के बाद पचाना भी है, है कि नहीं तो वो मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए ना प्रॉब्लम यही है स्टॉक मार्केट में क्या होता है लोग जल्दी जल्दी खाते हैं और जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो एक तो जल्दी जल्दी खाने में आप बराबर से पचा नहीं पाएंगे और जरूर से ज्यादा खाने पर फिर क्या होता है आपको पता है यही दिक्कत है तो स्टॉक मार्केट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें लिमिट से करें और अपनी रिस्क को सोच समझ कर करें ऐसा थोड़ी मीठा अच्छा लगता है मतलब मिठाई 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 खाई जाएंगे तो यही दिक्कत है कि कोई एक शेयर अच्छा लगता है इसका मतलब आप ट्रक भर के ले लेंगे मतलब एक तो भूख से खाना होता है कि जितनी भूख हाँ, है खाए हाँ, एक होता है 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 लालच 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 से खाना हाँ, ये ये वाला जो मामला है, आ, ग्रीड, ये जो मामला ग्रीड दिक्कत यही शेयर बाजार की सबसे बड़ी दिक्कत है तो अगर आप रीजनेबल रिटर्न ठीक ठाक से कमाई की उम्मीद रखें लंबे समय के लिए पैसा लगाए और सही शेयर में या सही फंड में पैसा लगाए परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं लाइफ इससे बढ़िया नहीं हो सकती इससे सवाल है अनिल जी ठीक है हम कह रहे हैं कि शेयर सही समय पर लगाए सही जगह पर लगाए लेकिन शेयर है क्या हाँ ये एक बहुत बढ़िया सवाल है यही से शुरुआत करनी चाहिए देखो कई बार होता है कि रोज शेयर की बात करते हैं और जब डेफिनेशन देने की हाँ। बारी आए तो शेयर क्या होता है शेयर क्या होता है मतलब एक्चुअली मैं बताऊं आपको मैंने लाइफ में कई बार ये एक्सपीरियंस किया है कि मुश्किल चीजों को समझाना आसान है आसान चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल शेयर क्या है? है आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं उस कारोबार में पैसा लगाते हैं पूंजी लगाते हैं कैपिटल लगाते हैं ठीक है कि सपोज आपने कोई शॉप शुरू की पचास लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शॉप शुरू की शॉप शुरू करने के लिए आप अपने पैसे लगाकर कर सकते हैं अपने नाम में कर सकते हैं स्वाति स्टोर्स या कोई पार्टनरशिप में कर सकते हैं एक एबीसी

तो उसमें पूंजी तो लगी होगी किसी की राइट तो वो जो, जो पूंजी लगी होती है उसे कहते हैं कैपिटल शेयर कैपिटल उस पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा हुँ. वो कहलाता है शेयर अच्छा ठीक है हुँ. जैसे किसी कंपनी में शेयर कैपिटल एक लाख रुपए की है ठीक है और उन्होंने हर एक सबसे छोटा हिस्सा रखा है एक शेयर का हुँ. दस रुपए की फेस वैल्यू वे, वाला यानी दस हजार शेयर हो गए इस कंपनी के अच्छा, दस रुपए की फेस वैल्यू एक लाख रुपए की कैपिटल होगी तो जो सबसे छोटा हिस्सा है वो एक शेयर है तो अगर आप किसी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें एकदम सबसे छोटा हिस्सा जिसे कहते हैं वो होता है एक शेयर ओके ठीक है तो सिंपल है अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं खुद ही का खुद कर रहे हैं कोई कंपनी वंपनी नहीं बनाई तो सारी की सारी कैपिटल है आपकी वो, वो उसमें शेयर वाली बात ही ही नहीं होती क्योंकि आप अकेले अकेले पैसा लगा रहे हैं ही। लेकिन जब कंपनियां होती है तो उसमें एक से ज्यादा लोग पैसा लगाते हैं एक से ज्यादा लोगों को मिलकर कंपनी बनानी पड़ती है जैसे पब्लिक लि, लिमिटेड कंपनी तो सात लोग तो होने ही चाहिए है ना तो ऐसे में फिर उनके बीच में कैपिटल बांटी जाती है और उस एक हिस्से को शेयर कहा जाता है जो सबसे छोटा हिस्सा है किसी के पास शेयर कम हो सकते हैं किसी के कि पास ज्यादा हो सकते हैं पार्टनरशिप आप बनाते हैं हैं ना हाँ। दो जने मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। तू ट्वेंटी फाइव परसेंट लगूंगा वैसा है तो शेयर जो कंपनियां होती है उनमें भी शेयर के अलग अलग हिस्से हो सकते हैं कोई कम लगाए कोई ज्यादा लगाए कंपनियां शेयर लाती क्यों है हाँ ये बढ़िया सवाल है समझे आपको बिजनेस शुरू करना है कोई ठीक है और आपको बिजनेस शुरू करने के लिए दस लाख रुपए चाहिए आप क्या करेंगे आपको लगता है तीन चार लाख रुपए तो मेरी सेविंग है लगा दूंगा ठीक है फिर बाकी बच्चे पैसे का क्या करेंगे कोई यार दोस्तों को बोलेंगे थोड़ा उधार दो यार बिजनेस शुरू करना कमा के वापस दूंगी अब किसी ने दे दिया दे दिया किसी ने नहीं दिया नहीं दिया फैमिली मेंबर्स में दे दे तो दे दे नहीं दे तो नहीं भी दे अच्छा कुछ देंगे ऐसे ही दे देंगे यार ही दोस्त में कुछ बोलेंगे इंटरेस्ट चाहिए हमारा क्या फायदा अच्छा आपको चाहिए पांच लाख को दे रहा है एक लाख दो लाख शॉर्टफॉल है बिजनेस तो करना है दूसरा तरीका क्या है फिर आपके पास फिर तरीका है कि आप बैंक वैंक से किसी से की लोन लो बैंक के केस में तो बड़ी प्रॉब्लम है जिन्हें लोन चाहिए उन्हें उनको देना नहीं है जिन्हें वो देना चाहते हैं उनको उनसे लेना नहीं है तो खास तौर से जिन लोगों के पास देने को सिक्योरिटी कुछ ना हो खाली शक्ल देख के तो बैंक वाले लोन देते नहीं तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो आप क्या करेंगे और समझिए कहीं से आपने जुगाड़ करके पैसा कमा ले भी लिया लाख इकट्ठा कर कर लिया लिया बिजनेस बिजनेस शुरू चल पड़ा ठीक है अब आपको लगता है कि दस लाख की जगह पचास लाख हो मैं और बढ़िया बिजनेस कर लू और आपकी दस लाख की परफॉर्मेंस देकर थोड़ा थोड़ा लोग और देंगे चाहे दे भी दें फिर भी कहीं कहीं आपको एक लिमिटेशन तो आई जाएगी बिल्कुल आपके जानने पहचानने वाले बैंक एक लिमिट से ज्यादा कितना लोन देगा या पहचानने पहचानने वाले आपको कितना लोन लेंगे? और लोन देंगे और कितना लोन लेंगे तब लोग ये सोचते हैं कि क्यों है? दुनिया भर से पैसा लिया जाए दुनिया पैस? भर से हाँ, सबसे सबसे जो लोग आपको न जानते उनसे भी लिया जाए अरे वाह आइडिया कैसा है बहुत कमाल कम मतलब दोस्तों से मांग लिया बैंक से मांग लिया सबसे मांग लिया जान पहचान वालों से मांग लिया इंस्टीट्यूशन से मांग लिया अब जिनसे नहीं भी पैसा लेना उनसे भी ले सकते हैं ये ये सबसे बड़ी खूबी है तो शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां दो तरह के लोग मिलते हैं एक लोग वो होते हैं जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कारोबार आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए ठीक है वो होते हैं प्रमोटर कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के मालिक वो होते हैं

कमा रहे हैं और कमाने के बाद बचा रहे हैं उस बचे हुए पैसे से हम और पैसा कमाना चाहते हैं निवेश करके उन्हें चाहिए हा? हाँ। हाँ। हमें कमाना है हाँ। तो सपोज मेरे पास हर महीने पच्चीस हजार रूपए बच रहे हैं ग... मैं सोचता क्या करूं कोई अच्छा निवेश का मौका मिले मैं सोचता अच्छा निवेश का मौका क्या हो सकता Works, है अरे जुबिलेंट फूड वर्क ये डोमिनोज पिज्जा बड़ा बिकता है भाई इस कंपनी में मैं निवेश कर लू तो कितना बढ़िया रहे या इस कंपनी का पार्टनर बन जाऊ इसका हुँ। मैं भी इसके बिजनेस में पैसा लगा लूं। वो हो सकता हुँ। है। हुँ। मुकेश अंबानी बैंक इतना बढ़िया बैंक है, है। मैं भी एच डी एफ सी बैंक जैसा कोई बैंक खोल लू तो लोग बोलेंगे मुंगेरी लाल हो बचाते हो महीने का पच्चीस हजार रुपए और पार्टनर बनना अच्छा। है मुकेश अंबानी का लेकिन शेयर बाजार आपको ये मौका देता है अगर आज आप या मैं किसी बड़े प्रोमोटर के पास मसल मुकेश अंबानी के पास जाके बोले कि हमें आपके बिजनेस में पार्टनर बनना है बोलना तो दूर की बात वहां तक तो आप पहुंच भी नहीं पाए शायद है कि नहीं बोलेंगे तू कौन हाँ, हाँ? हाँ? मतलब उतना भी नहीं है उतना तो हाँ? पहुंच भी नहीं सकता पहुंच हाँ तो लेकिन शेयर बाजार आपको बाजारे मौका देता मुका देता, है है। देता है कि आप उनकी कंपनी में निवेश कर सकते हैं उनकी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं है 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 ना दमदार दमदार बात बहुत भाई फर्क क्या है? फर्क क्या इतना ही है कि किसी मुकेश अंबानी ने बहुत सारा पैसा लगाया होगा आपने कम लगाया किसी एच डी एफ सी बैंक के प्रमोटर ने बहुत पैसा लगाया होगा आपने कम लगाया होगा लेकिन अपॉर्चुनिटी तो सेम लेकिन है तो है ना सेम आपके पास जितना पैसा आप लगाइए नहीं तो अच्छा समझिए चलिए आप ही का बिजनेस आपने दस लाख से शुरू किया पचास लाख कर लिया पचास लाख से एक करोड़ का कर लिया और उसका एक करोड़ का आपने बिजनेस कर लिया फिर में आप मुझे पहचानती भी है स्वाति बोले मेरे एक करोड़ की कैपिटल हो गई अनिल जी कितना लगाएंगे मैं बोलूंगा दस हजार बोले यार दस हजार के चक्कर में अनिल जी को कौन पार्टनर बनाएगा रोज दस सवाल पूछेंगे अलग से और इनको कितने पार्टनर बनाऊ भाई दस हजार के संभालेगा कौन है ना तो पार्टनर भी आप वैसे ही बनाएंगे ना जि जिन्हें आप हैंडल कर सके करेक्ट तो इसलिए अगर आपको पार्टनर चाहिए हुँ. तो मिलते नहीं है और जिनको पैसा लगाना है हुँ. तो वो प्रोमोटर उन्हें पार्टनर बनाने को तैयार नहीं तैयार है. नहीं ऐसी है। सिचुएशन में स्टॉक मार्केट काम आता है मतलब वो कंपनियां शेयर बाजार वो कंपनियां जो शेयर बाजार से पैसा जुटाती है हुँ. वो कंपनी आकर कहती है, देखिए जी, ये हमारा बिजनेस है हम इतने सालों से कर रहे हैं ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है हम प्रमोटर हैं इस कंपनी के हमने इतने सालों पहले कंपनी चालू की है अब तक ये बिजनेस किया है ये हमारी जन्म कुंडली है आइए पैसा लगाइए पूरी देश की जनता है विदेशी निवेशक है देख रहे हैं अच्छा ये कंपनी इस समय शुरू थी ऐसा, ऐसा बिजनेस बढ़ाया बिजनेस बिजनेस कर रही है आगे और कितना बढ़ सकता है अंदाजा लगाते हैं और फिर पसंद आता है तो उनके शेयरों में पैसा लगाते हैं तो ये जो तो शेयर हो, वो बड़ा आपको आराम से विस्तार से समझाता हूँ लेकिन पहले ये समझ लीजिए मार्केट एक ऐसी जगह है वो, अच्छा, वो हाँ, वो हाँ, वो हाँ, जहां किसी भी बिजनेसमैन को किसी भी कंपनी को किसी भी उद्योगपति को या किसी भी प्रोफेशनल को अपने कारोबार के लिए अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो वो आकर अपने शेयर जारी कर सकता है कह सकता है देखिए मुझे पैसा चाहिए जिन लोगों को इंटरेस्ट है मुझे पैसा दीजिए और जो निवेशक जिनके पास पैसे हैं और वो चाहते हैं कि इस बिजनेस में मैं पैसा लगाऊं वो पैसा लगाते हैं अब ये शेयर बाजार से पैसा लेने और शेयरों में पैसा लगाने की प्रोसेस में लंबी चौड़ी प्रोसेस है जिसमें ढेर सारी चीजें आती है जो हम एक एक करके समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है प्रोमोटर क्या होता है लिस्टिंग क्या होती है पब्लिक इश्यू क्या होता है सेबी कौन है एक्सचेंज कौन है डीमेट अकाउंट कौन है ट्रेडिंग अकाउंट कौन है हजारों चीजें जो हम आगे आने वाले में समझाएंगे असंख्य ऐसे एवेन्यूज है जो हाँ। कि शेयर बाजार से निकल कर आते हैं तो एक हमने हिंट तो हिंड सिंपल चीज है शेयर बाजार में आपको बड़ा बिजनेस बनाना है एज ए प्रोमोटर आपके लिए सही जगह है आपको बड़ा पैसा कमाना है एज एन इन्वेस्टर सही बिजनेस में आपके लिए सही जगह दोनों का संगम करने की जगह शेयर बाजार है